सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर 31 अक्टूबर तक के लिए लगाए गए बैन को हटाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा व्यापारियों की बिक्री पर लगे बैन को हटाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। पटाखा व्यापारियों ने बिक्री पर रोक लगाने संबंधी 9 अक्टूबर के फैसले में ढील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। व्यापारियों की ओर से याचिका दायर करते हुए दिवाली से पहले पटाखों की बिक्री के लिए 1-2 दिन की इजाजत मांगी गई थी। न्यायमूर्ति AK सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की खंडपीठ ने कहा कि इस प्रतिबंध पर किसी प्रकार की ढील देना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना के खिलाफ होगा। हालांकि पीठ ने लोगों द्वारा 9 अक्टूबर से पहले खरीदे गए पटाखों को चलाने पर कोई रोक नहीं लगाई है। पीठ की ओर से आगे कहा गया, जब तक पटाखों की बिक्री पर बैन का सवाल है तो हम इसमें ढील नहीं देने जा रहे। साथ ही पीठ ने दिल्ली पुलिस को इस फैसले पर अमल करने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने कहा, प्रतिबंध के आदेश से पहले जिन पटाखों की बिक्री हो चुकी है उन्हें चलाएंगे और वह काफी होगा। वैसे भी यह बिना पटाखों वाली दिवाली होनी होगी। SPN 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।